I welcome you all in the next video tutorial of Pharmacognosy and Phytochemistry 1. So dear students, in this video tutorial, as you can see in your screen, we are going to start another very important topic of unit number 5, that is natural allergens. Just see the syllabus here, unit number 5, natural allergen. So let's start the topic of allergy. So first of all, one should know about allergy. What is allergy? Allergy, basically, it occurs when a person reacts to a substance in the environment that are harmless to the most of the people. And allergy, basically, you have to remember one thing, it depends upon person to person. Ho sakta hai kisi insaan ko dhool se ya dust se pollution se allergy ho aur kisi dusre insaan ko na ho. Even COVID vaccine lagane ke baad kai logon mein side effect symptoms appear ho rahe hain, kai logon mein nahi ho rahe. Kyun? Because we have different genetic makeup. Each individual has a different genetic makeup and has different particularly immune system response to a foreign particle, we can say allergens. Har ek individual ka immune system ek particular allergen ke against alag tarah se kaam karta hai. अब एलर्जेंस क्या है जो एलर्जी कॉजेस करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे एलर्जेंस. एलर्जेंस में भी सिंथेटिक और मे बी फ्रॉम द नेचुरल ओरिजिन. तो हमारा जो टॉपिक है वी विल फोकस अपॉन द एलर्जेंस फ्रॉम द नेचुरल ओरिजिन. तो लेट्स रिकॉल अगेन व्हाट इज एलर्जी. इट अकर्स व्हेन अ पर्सन रिएक्ट्स टू अ सब्सटेंस इन द एनवायरमेंट दैट आर हार्मलेस टू द मोस्ट ऑफ द पीपल. हो सकता है वो मोस्ट ऑफ द पीपल्स को हार्मलेस हो. सीजन चेंज हुआ, एकदम से एलर्जी हो गई. कई लोगों में एकदम से छींके, जुकाम, स्नीजिंग, कफिंग, रेनेटिस, एलर्जिक सिम्टम्स अपीयर हो जाते हैं. कई लोगों में नहीं होते. तो इट विल डिपेंड अपॉन द पर्सन टू पर्सन. नेक्स्ट लाइन, दीज सब्सटेंसेज आर नोन एज एलर्जन. तो द सब्सटेंसेज विच कॉज एलर्जी आर नोन एज एलर्जन एंड दे मे बी सिंथेटिक और ऑफ नेचुरल ओरिजन एंड आर फाउंड इन द डस्ट माइट्स. डस्ट में भी हो सकते हैं, पेट्स से भी, पोलन, इंसेक्टिक्स, मोल्ड्स, फूड्स ऑल्सो. कई बार कुछ लोगों को पर्टिकुलर फूड स्टफ्स कंज्यूम करने से एलर्जी हो जाती है. सपोज किसी ने मशरूम कंज्यूम किए और एकदम से हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन हुआ, स्किन रैशेज हो गए या फूड पॉइजनिंग होगी, एकदम से एलर्जी हो गई. कई लोगों में किसी भी तरह के सिम्टम्स अपीयर नहीं होंगे. तो इट विल डिपेंड अपॉन द पर्सन टू पर्सन. तो वी कैन से दैट इन एलर्जी हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन में अकर इन द बॉडी. एलर्जी के दौरान हमारे शरीर में संवेदनशीलता और वी कैन से हम ये भी कह सकते हैं कि अति संवेदनशीलता हो जाए किसी भी एलर्जन के प्रति, तो हम उसको बोलते हैं एलर्जिक रिएक्शन और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. यस, इफ यू टॉक अबाउट द कॉमन एलर्जन्स तो दे आर क्लासिफाइड टू डिफरेंट कैटेगरीज. सो हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द एलर्जन्स जिनकी वजह से एलर्जी हो रही है, लाइक इनहेलेंट, इनगेस्टेंट्स, इंजेक्टेंट्स, कॉन्टेक्टेंट एंड इन्फेक्टेंट. दीज आर द वेरी कॉमनली फाउंड एलर्जन्स इन द एनवायरमेंट. अब एज द नेम इंडिकेट, नाम से ही पता चल रहा है इनहेलेंट एलर्जेंस क्या होंगे. जो एयर के द्वारा हम जिसे हम इनहेल करेंगे, जो हमारी नोज के जरिए इनहेल करके अंदर जाएंगे, दैट कॉजेज एलर्जी. और किस तरह के सिम्टम्स होंगे, सपोज किसी के अंदर एकदम से सपोज डस्ट चलेगी तो क्या सिम्टम्स अपीयर होंगे. यस, स्नीजिंग, कफिंग, लैक्रिमेशन एक्सेट्रा. कई बार एलर्जेंस हमें फूड में भी देखने को मिलते हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल्स किया. अगर कोई मशरूम कंज्यूम कर ले या कोई फिश कंज्यूम कर ले या कोई भी वो किसी भी तरह का फूड हो सकता है, वो मिल्क भी हो सकता है. इट विल डिपेंड अपॉन द पर्सन टू पर्सन. तो इन गेस्टेंट्स एलर्जन, दीज आर द एलर्जन प्रेजेंट इन द फूड स्टफ्स. वो हमारे फूड में होंगे एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग डिफरेंट सिम्टम एसोसिएटेड विद GITs लाइक फूड पॉइजनिंग और स्किन एलर्जी में अपीयर्स. इंजेक्टर एलर्जन्स एज द नेम इंडिकेट, इंजेक्शन की तरह अगर सपोज किसी को मधुमक्खी काट गई, then it will cause allergy. That is injection allergy. Contactant allergen, अगर किसी के contact में आने से allergy हो जाए, suppose कई plants होते हैं, जैसे ही हम उनके contact में आते हैं, उनको touch करते हैं, एकदम से irritation हो जाती है हमारे यहाँ. We will see the examples also. हम examples देखेंगे आगे. That is include under the contactant allergen. So it will cause the skin dermatitis or skin inflammatory reactions. And next is the infectant allergens. कई बार अनकुक्ड फूड खाने से या कंटेमिनेटेड फूड कंज्यूम करने से या कंटेमिनेटेड वाटर कंज्यूम करने से हमारे शरीर के अंदर कई पैथोजेंस की ग्रोथ हो जाती है, कई वर्म्स की ग्रोथ हो जाती है, जैसे टेप वर्म, पिन वर्म, हुक वर्म, थ्रेड वर्म्स. वो सारे के सारे इन्फेक्टेंट्स कैटेगरी में हम इनको इंक्लूड करते हैं. तो वी विल सी देम वन बाय वन. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, इज द इनहेलेंट एलर्जेंस.
जैसे यार वी हैव डिफरेंट कैटेगरीज लाइक इनहेलेंट, इनगेस्टेंट, इंजेक्टेंट, कॉन्टेक्टेंट एंड इन्फेक्टेंट्स. तो फर्स्ट इज द इनहेलेंट एलर्जन. तो दीज आर दी एयरबोर्न सब्सटेंसेज, एयर एयर में प्रेजेंट होंगे, कैपेबल ऑफ कॉजिंग रेस्पिरेटरी डिजीज, जस्ट लाइक अवर कोविड वायरस. इट इज प्रेजेंट इन द एयर. अभी रिपोर्ट आ रही हैं कि हवा में भी हो सकता है और शायद है भी. तो दीज आर द एयरबोर्न सब्सटेंसेज कैपेबल ऑफ कॉजिंग रेस्पिरेटरी डिजीजेज, इन्फ्लामेशन इन द नोज एंड लंग्स. तो ज्यादातर ये लंग्स को इफेक्ट करेंगे जस्ट लाइक कोविड. एंड इन्फ्लामेशन इज सीन एज अ सिम्टम्स. क्या क्या अपीयर होंगे? स्नीजिंग, एकदम से छींके आएंगी, लैक्रिमेशन, आंखों में से पानी निकलेगा, इचिंग, स्वेलिंग ऑफ द नोज एंड जस्ट दिस टाइप ऑफ सिम्टम्स में अपीयर, लैक्रिमेशन, देन स्नीजिंग एंड कफिंग. देर इज अनदर इंपॉर्टेंट सिम्टम एसोसिएटेड विद द इनहेलेंट एलर्जन्स, एज यू कैन सी इज द एलर्जिक शाइनर, एलर्जिक सल्यूट. तो दीज आर द टू डिफरेंट टर्म्स, एलर्जिक शाइनर एंड एलर्जिक सल्यूट. दीज आर वेरी सिंपल, आई विल शो यू फॉर. As you can see the images, allergic shiner में क्या होगा, आंखों के नीचे इस तरह से हमारे निशान पड़ जाएंगे एलर्जी की वजह से. और ये कैसे होंगे? जब भी हमारे शरीर के अंदर इनहेलेंट एलर्जन जाएंगे तो ज़्यादातर हमें एलर्जिक शाइनर के सिम्टम्स अपीयर होंगे. सी द इमेज. ओके, वेरी मे बी डार्क सर्कल्स भी हो सकते हैं इस केसेस में. नेक्स्ट यू कैन सी एलर्जिक सल्यूट. अब ये क्या है? ज़्यादातर जो नाक से, सपोज करिए बार बार स्नीजिंग हो रही है, तो जब भी हम नाक साफ करेंगे तो कई बार अगर प्रॉपरली हम इसको ना साफ करें या प्रॉपरली तरीके से ना करें तो नाक में इस तरह के बार बार नाक साफ करने से ये लाइन जैसी पड़ जाएगी, जिसे हमने एलर्जिक सल्यूट कहा है. तो एज यू कैन सी ओवर हेयर, तो इस तरह के, लेट मी शो यू फोटोग्राफ्स अगेन. तो यस, दिस इज द लाइन दैट विल प्रोड्यूस्ड इन योर नोज, जिसे हम क्या कहेंगे, यस क्या कहेंगे, एलर्जिक सल्यूट. तो दिस इज द एलर्जिक सल्यूट मे अपीयर्स इन द केस ऑफ इनहेलेंट एलर्जन्स. लेट्स सी द एग्जाम्पल्स, क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं जिनकी वजह से ये सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं. वो पोलन ग्रेन्स भी हो सकते हैं, पोल्यूशन भी हो सकता है, कोई वीड्स भी हो सकता है, ग्रास, मोल्ड्स, हाउस डस्ट. एज यू कैन सी फोटोग्राफ ऑफ पोलन्स, तो पोलन्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल ऑफ कॉजिंग डिफरेंट डिजीजेज और सिम्टम एसोसिएटेड विद दी योर ब्रोंकियल ट्रैक्ट. ओके, दैट इज इट माइट कॉज अस्थमा और एलर्जिक रिनिटिस, ब्रोंकाइटिस एसेट्रा. So now let's talk about the ingestant allergens, ingestants. Ingestant allergens, so these are the present in the foodstuff. ये कैसे allergens हैं जो कहाँ पे present होंगे? Foodstuffs and solid and are termed as ingestant or food allergy. जिनकी वजह से ऐसे food में ingestants allergen, if they are present in the food, they are causing some symptoms associated with the GIT. तो अगर हम कोई ऐसा फूड कंज्यूम कर लें जिसपे ये एलर्जेंस प्रेजेंट हैं अगर, तो इट विल कॉज फूड एलर्जी. तो देख लेते हैं क्या क्या सिम्टम्स अपीयर होंगे. द सिम्टम्स, द जीआईटी सिम्टम, द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स आर माइल्ड मेनली, विच इंक्लूड नोजिया, वॉमिटिंग, इट ऑल्सो कॉज स्किन रैशेज, पफ्ड लिप्स, रिनिटिस, एक्जिमा ऑफ द हैंड्स एंड फीट. लेट्स सी सम ऑफ द फोटोग्राफ. एज यू कैन सी द इमेजेस, वट इज नोजिया, फीलिंग ऑफ बींग वॉमिटेड, ऐसा लगेगा कि वॉमिटिंग आ रही है, दैट इज नोजिया. पफी लिप्स हो सकते हैं, लिप्स एकदम से स्वेल कर सकते हैं, दैट इज द पफी लिप्स और पफ्ड लिप्स. नो लेट सी क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इनगेस्टेंट्स के. मिल्क, फूड प्रोडक्ट्स, पीनट, फिश, सोए, ऑरेंज, देन कोड लिवर ऑयल, एग्स एंड मशरूम. तो देखिए जी, डेली कंज्यूम करने वाले हमारे फूड हैं, बेसिकली मिल्क हम कंज्यूम करते हैं, तो ज़्यादातर लोगों को मिल्क से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हो सकता है एक पर्टिकुलर क्लास में पर्टिकुलर लोगों को मिल्क कंज्यूम करने से एलर्जी हो जाए. तो दैट मीन्स दे आर सेंसिटिव टू, और कैन से दे आर हाइपर सेंसिटिव टू दैट पर्टिकुलर फूड, से फॉर एग्जाम्पल मिल्क. तो मिल्क के केस में अगर किसी को मिल्क कंज्यूम करने से एलर्जिक सिम्टम्स हो रहे हैं, दैट मीन्स वो इंसान उसके प्रति सेंसिटिव और कैन से हाइपर सेंसिटिव है. उसी तरह से कॉमन एग्जांपल्स हैं इसमें, कॉड लिवर ऑयल हो सकता है, एग्स, मशरूम, कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरह का वो फूड हो सकता है. नाउ वी विल सी द थर्ड कैटेगरी, इंजेक्टेंट एलर्जन, मतलब इंजेक्शन से आपने इसको याद रखना है. तो दीज एलर्जन्स कॉज सिम्टम्स सिमिलर टू दोज ऑफ द एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिंस. तो ये एलर्जन्स कुछ उस तरह से सिम्टम देते हैं जैसे अगर कोई एंटीबायोटिक का जब भी हम इंजेक्शन लगता है, लाइक पेंसिलिन डेरिवेटिव्स और सिफेलोस्पोरिन डेरिवेटिव्स. ओके, सो दीज एलर्जन कॉज सिम्टम्स सिमिलर टू दोज ऑफ द एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन और सिफेलोस्पोरिन. अब था क्या बेसिकली, जब सबसे पहले पेंसिलिन की डिस्कवरी हुई
Please see the photograph. Why I am showing the photograph of World War? This photograph is related to the World War II, 1939 to 1945. तो वर्ल्ड वॉर टू के दौरान पेंसिलिन का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया. तो जो स्टार्टिंग में पेंसिलिन डेरिवेटिव आई, पेंसिलिनम, आपको पता ही है, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम फंगस पेनिसिलियम नोटेटम और पेंसिलियम क्राइसोजेनम स्पीशीज. तो स्टार्टिंग में जो फंगस की हमने पेंसिलिन जो डेवलप की फंगस से, वो जब हम कंज्यूम करते थे तो बहुत ज़्यादा सीवियर रिएक्शंस होते थे हमारी बॉडी में, जो कि अनकंट्रोलेबल थे. तो धीरे धीरे जैसे जैसे साइंस की एडवांसमेंट हुई, हमने तरक्की की और पेंसिलिन के डेरिवेटिव सिंथेसाइज किए और साइड इफेक्ट्स को मिनिमाइज करके एफिकेसी को इंक्रीज किया. तो जब भी पेंसिलिन हम लेते थे उस वक्त पे, और अभी भी हम अगर कंज्यूम करें तो कुछ हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन हो जाते हैं, जरूरी नहीं सब में होंगे. जैसे हमने एग्जाम्पल्स किए कि कोविड वैक्सीन लगाने से कई लोगों में साइड इफेक्ट्स अपीयर हो रहे हैं, कई लोगों को नहीं भी हो रहे हैं. तो डैट मतलब अगर किसी को हो रहे हैं, दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर पर्सन इज सेंसिटिव टू दैट पर्टिकुलर एलर्जन और पर्टिकुलर ड्रग, हम ऐसा बोल सकते हैं. ओके, तो किस तरह के हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन अकर्स हो सकते हैं इंजेक्टेंट्स में, लाइक इचिंग ऑफ द पाम्स एंड हैंड्स, ओके, देन पीलिंग ऑफ द स्किन, एनाफाइलेक्टिक शॉक. व्हाट इज दिस एनाफाइलेक्टिक शॉक? इट इज अ एक्यूट हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन. So let's take an example, sting of the bees and the hornets and the wasps. अगर किसी को मधुमक्खी काट जाए, एकदम से क्या हो जाएगा? एनाफाइलेक्टिक, एकदम से रिएक्शंस हो जाएंगे, एकदम से बॉडी में स्वेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, बर्निंग सेंसेशन हो जाएगी, इचिंग स्टार्ट हो जाएगी, रेडनेस हो जाएगी. दैट इज द हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन दैट अकर ड्यू टू द स्टिंग ऑफ द वास्प और बीज. तो मधुमक्खी के काटने से या वास्प के काटने से एकदम से हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन बॉडी में अगर हो जाए, तो दैट इंक्लूड अंडर द कैटेगरी ऑफ द इंजेक्टेंट्स. प्लीज सी दिस फोटोग्राफ अगेन. तो एनाफाइलेक्सिस आफ्टर वास्प स्टिंग क्या होगा? एक्सट्रीम स्वेलिंग, वीजिंग, डिजीनेस, नोजिया, ऑल्सो लॉसिस कॉन्शियसनेस. अगर बहुत ज़्यादा डंक चला गया है, सपोज एलर्जेंस अंदर चले गए हैं, इंजेक्टेड एलर्जेंस, तो अनकॉन्शियस भी हो सकता है इंसान. डायरिया में अपीयर. ओके, अब ये सिम्टम्स भी डिपेंड करेंगे पर्सन टू पर्सन, जरूरी नहीं कि सब लोगों में ऐसे ही सिम्टम्स आएंगे. सो लेट्स सी द नेक्स्ट टाइप ऑफ एलर्जन, दैट इज द कॉन्टेक्टेंट एलर्जेंस. प्लीज रिकॉल अगेन, अभी तक हमने क्या किया? इनहेलेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड इंजेस्टेंट एंड इंजेक्टेंट एलर्जेंस. सो लेट्स स्टार्ट द कॉन्टेक्टेंट एलर्जेंस. सो अ नंबर ऑफ द प्लांट्स एंड देयर प्रोडक्ट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एज द कॉजेज ऑफ द कॉन्टेक्ट एलर्जीज. तो कई बार कई प्लांट्स, जैसे किसी की भी कॉन्टेक्ट में आने से एलर्जी हो जाए, तो कई बार कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसे हम टच करते हैं और एकदम से हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन हो जाता है बॉडी में. तो दैट आर द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द कॉन्टेक्टेंट्स. अब देखिए सबसे कॉमन एग्जांपल क्या आएगा, अगर हिमालयन रीजन की बात करें तो हिमालयन स्टिंगिंग नेटल, जिसको हम कॉमनली बिच्छू बुट्टी बोल देते हैं, जैसे ही इस प्लांट को अगर कोई गलती से इंसान टच कर ले तो एकदम से हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन बॉडी में अपीयर हो जाती है, जिसमें एक्सेसिव इचिंग और इन्फ्लेमेशन अपीयर हो जाती है. दैट इज कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द कॉन्टेक्टेंट. सो इट कॉजेज द स्किन एलर्जीज, लाइक स्किन कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन. आइटिस, हमेशा अपने वर्ड याद रखना है, आइटिस का मतलब होता है क्या? इन्फ्लामेशन. अगर डर्मेटाइटिस है मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द स्किन, डर्मस मतलब स्किन. अगर ये रेनिटिस होता तो इन्फ्लामेशन ऑफ द नोज. अगर ये अर्थराइटिस होता तो इन्फ्लामेशन ऑफ द बोन. कंजक्टिवाइटिस होता, इन्फ्लामेशन ऑफ द आईज. तो आइटिस का वर्ड मतलब है इन्फ्लामेशन. ओके, तो कैसे सिम्टम्स अपीयर होंगे? कॉन्टेक्टेंट एलर्जेंस की वजह से, जस्ट लाइक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, स्किन एलर्जी एक्सेट्रा. एंड द एलर्जन कॉम्पोनेंट्स ऑफ दीज प्लांट्स आर उरिशोल्स एंड फ्यू सेस्क्यूट्रिपिन. तो ये पाया गया है कि कॉन्टेक्टेंट एलर्जेंस के अंदर किस तरह के केमिकल कंपाउंड्स हैं, लाइक यूरिशोल डेरिवेटिव्स एंड सेस्क्यूट्रिपिन लैक्टोन्स. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस और अदर इन्फ्लामेटरी कंडीशन रिलेटेड टू द स्किन. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द यूरिशोल डेरिवेटिव. ओके, एज यू कैन सी ओवर हेयर, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द यूरिशोल. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कॉमन प्लांट इज देयर पॉइजन आईवी. यहां पे मुझे एक फोटोग्राफ दिखा तो याद आया, पॉइजन आईवी कॉज एलर्जिक रिएक्शन. तो पॉइजन आईवी भी एक बहुत ही ज्यादा कॉमन प्लांट है, जिसकी वजह से क्या होगी हमें? स्किन एलर्जी, स्किन डर्मेटाइटिस. तो ये भी कॉन्टेक्टेंट एलर्जन की कैटेगरी में आएगा. दिस इज द प्लांट पॉइजन आईवी, पॉइजन ओक एंड सुमैक. तो ये तीन प्लांट भी आप याद रखें तो अच्छा रहेगा. तो दीज आर दी ऑल्सो कॉमनली फाउंड इन द हिमालयन रीजन ऑल्सो. तो ये प्लांट्स भी कॉन्टेक्टेंट एलर्जेंस की कैटेगरी में आएंगे, जिसकी वजह से हमें कॉन्टेक्टेंट एलर्जेंस की वजह से इन्फ्लामेशन होगी स्किन की. सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट वन इज द इन्फेक्टेंट एलर्जन. इन्फेक्टेंट, इन्फेक्शन, आपने इसे याद रखना है.
इन्फेक्शन। तो एलर्जी कॉज बाय द मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ द लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द ह्यूमन बॉडी। हमें पता ही नहीं है कि हमारे शरीर में कितने लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं। द कॉन्टिन्यूअल प्रेजेंस ऑफ द सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरियाज, प्रोटोजोआज, मोल्ड्स एंड हेलमिंस एंड सम ऑफ द पैरासाइट इन द बॉडी ऑफ द ह्यूमंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग क्रॉनिक इन्फेक्शंस। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल्स दे रखे हैं इन्फेक्टेंट के, जैसे टेप वर्म, थ्रेड वर्म, पिन वर्म, हुक वर्म। एज यू कैन सी द इमेजेस, दिस इज अ इमेज ऑफ द टेप वर्म। तो हमारी बॉडी में हो सकता है कि काफी समय से टेप वर्म हमारी बॉडी में रहे और हमें पता भी ना हो। तो जरूरी नहीं है कि अगर हमारी बॉडी में सपोज वर्म्स प्रेजेंट हैं, जैसे टेप वर्म, पिन वर्म, हुक वर्म के केस में किसी भी तरह के पेन और किसी भी तरह की सिम्टम्स अपीयर नहीं होते। ओके, तो ज्यादातर हम बच्चों को भी क्या करते हैं आजकल, अब तो खैर बहुत ज्यादा जागरूकता आ चुकी है, हम नेशनल डी वर्मिंग डे भी मनाते हैं, डी वर्मिंग डे भी सेलिब्रेट करते हैं। एज यू कैन सी नेशनल डी वर्मिंग डे 10th फरवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं थ्रू आउट इंडिया। अब इसमें करते क्या हैं, जितने भी स्कूल्स हैं वहां पे जाके हम बच्चों को बेसिकली एक टेबलेट देते हैं। उस टेबलेट के अंदर क्या है, एल्बेंडाजोल। तो एल्बेंडाजोल इज वाइडली कॉमनली यूज एज ए एंथ हेलमिंथिक, जो वर्म्स मारने के लिए हम वर्म्स को किल करने के लिए यूज करते हैं। एज यू कैन सी एग्जाम्पल, दिस इज एल्बेंडाजोल टेबलेट, इसका नाम भी क्या है, वर्म मिस 400। तो डोज डिपेंड करेगी बच्चों में, नेचुरल सी बात है, डोज हम कम देंगे, एडल्ट्स में डोज अलग रहेगी। लेट्स रिकॉल अगेन, इन्फेक्टेड एलर्जन फिर से देखिए, तो दीज आर द एलर्जन्स कॉज बाय द मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ द लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द बॉडी। जब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म या टेप वर्म, पिन वर्म बॉडी में रहेंगे, ये कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स रिलीज करेंगे जो जिसकी वजह से एलर्जिक हो सकती है हमारी बॉडी में। सो द कॉन्टिन्यूअल प्रेजेंस ऑफ द सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया लाइक मोल्ड्स, हेलमिंथ एंड अदर पैरासाइट इन द बॉडी ऑफ द ह्यूमन बींग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉनिक इन्फेक्शन फॉर विच पेशेंट्स आर नॉट अवेयर। कई केसेस में पता ही नहीं है कि हमारी बॉडी में वो चीज़ें हैं। जैसे सपोज कई लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लग जाए, अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, तो हो सकता है कि आपको हर 20 मिनट बाद खाने खाने की या भूख कुछ ना कुछ खाने की तलब उठ रही है, तो हो सकता है कि आपके पेट में भी वर्म्स प्रेजेंट हो। तो वो जो डाइट है, वो जो चपाती सपोज आप कंज्यूम कर रहे हो, आप नहीं कर रहे हो, आप किसी और को करवा रहे हो, तो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है। सो अगे नेक्स्ट टाइम इज दी But the patients are not aware, but metabolic products of their growth causes some of, in some patient, they cause hypersensitive reaction. इसलिए हमने देखा है ये भी कुछ ही patients में hypersensitive reactions होंगे, हो सकता है कईयों में ना हो। कौन कौन से hypersensitive reactions हो सकते हैं, just like in case of ingestants, food allergy हो सकती है, then nausea, vomiting और gastrointestinal adverse effect हो सकते हैं, that is due to the presence of the infectant allergen in the body. लेकिन ये भी, इट इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट इट माइट नॉट अपेयर इन द ऑल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये जरूरी नहीं है कि सभी में ही ये सिम्टम्स आए। ये सिम्टम्स किस में आएंगे, जो इंसान हाइपर सेंसिटिव होगा उस पर्टिकुलर एलर्जन के प्रति, बेसिकली हम ऐसा बोल सकते हैं, उसी केसेस में ये सिम्टम्स अपीयर होंगे। सो आई होप दिस इज क्लियर। वी हैव कंप्लीट इनहेलेंट एलर्जेंस, जो कि हवा के द्वारा हमारे अंदर आएंगे बॉडी में, जैसे डस्ट हो गया, पॉल्यूशन, जिसकी वजह से हमारे जो ब्रोकियल ट्रैक्ट के, जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस हैं, सिम्टम्स वो अपीयर होंगे। इंगेस्टेंट जो हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं, इंजेक्टेंट लाइक हमने एग्जांपल्स किया पेंसिलिन का, सिफेलोस्पोरिंस का, एंटीबायोटिक्स का, या फिर किसी भी तरह का मधुमक्खी या वास्प या स्टिंग हमें काट जाए, तो वास्प, स्टिंग ऑफ द वास्प और बी। कॉन्टैक्टेंट कोई भी प्लांट्स हो सकते हैं, जैसे कि हिमालयन स्टिंगिंग नेटल इज द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द प्लांट। पॉइजन आईवी इज ऑल्सो देयर। इन्फेक्टेड एलर्जेंस लंबे समय तक अगर हमारे शरीर में इन्फेक्टेड एलर्जेंस रहेंगे, लाइक पिन वर्म, टेप वर्म, थ्रेड वर्म और हुक वर्म, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में इन्फेक्शन की वजह से कुछ सिम्टम्स अपीयर हो सकते हैं, दैट इज द इंक्लूड अंडर द इन्फेक्टेड एलर्जेंस। अब देखिए क्या यूज हो सकता है एलर्जेंस का। हाँ जी बिल्कुल हो सकता है। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, हम एलर्जेनिक एक्सट्रैक्ट्स एक प्रिपरेशन बनाते हैं, एक फॉर्मुलेशन बनाते हैं, जिसका नाम है एलर्जेनिक एक्सट्रैक्ट्स। अब है क्या, दीज आर द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और द सस्पेंशन ऑफ द एलर्जेंस। ये इन्हीं एलर्जेंस की सस्पेंशन और सॉल्यूशन हम बनाते हैं। किस लिए, यूज फॉर द डायग्नोसिस एंड द थेरेपेटिक पर्पसेस। जैसे दो तरह के हम एलर्जेनिक एक्सट्रैक्ट्स प्रिपेयर करते हैं, एक्वस और ग्लिसरीन वाले। एक्वस मतलब 0.9% इसके अंदर NaCl है, विच इज यूज एज अ डाइल्यूएंट, एंड व्हाट इज ग्लिसरीनेटेड, इन विच 50% ऑफ ग्लिसरीन इज यूज एज अ डाइल्यूएंट। अब इसका पर्पस क्या है, किसी भी तरह की बीमारी को या डिजीज को डायग्नोस करने के लिए हम यूज करते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि हमें या पर्टिकुलर पेशेंट को किस फूड स्टफ से, किस एलर्जन के से एलर्जी हो रही है, तो उसके डायग्नोसिस में हम इसको यूज करते हैं, किसको, एलर्जेनिक एक्सट्रैक्ट्स को। एज यू कैन सी
तो दिस इज एलर्जेनिक एक्सट्रैक्ट। अब जैसे इस केस में अगर आपको देख पा रहे हैं तो इसमें पीनट लिखा है, तो पर्टिकुलर फूड स्टफ्स के अगर सपोज किसी को पीनट से एलर्जी है तो हम क्या करेंगे, पीनट पीनट का एलर्जेनिक एक्सट्रैक्ट उसको देंगे इंसान को, और देखेंगे अगर उसकी बॉडी में हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन हो रहे हैं, सिम्टम्स अपेयर हो रहे हैं, तो ये डिटेक्ट हो जाएगा कि उस पर्टिकुलर इंसान को पीनट से एलर्जी है। वैसे ही एलर्जेनिक एक्सट्रैक्ट अलग अलग तरह के हमारे पास हमने डेवलप किए हैं जिससे हम डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि एक इंसान को किस पर्टिकुलर एलर्जन से एलर्जी हो रही है। सो ज़्यादातर क्या है, मोस्ट ऑफ द प्रिपरेशन चाहे वो एक्वस हो या ग्लिसरीनेटेड हो, दे आर बफर्ड एट पीएच 8 एंड कंटेन फिनोल एज अ एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव। जो हमने प्रिपरेशन अभी देखी उसके अंदर ज्यादातर हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स भी डालते हैं, जैसे फिनोल एग्जांपल दे रखा है, एंड दे आर स्टरलाइज बाय एसेप्टिक फिल्ट्रेशन एंड यूज एज इंजेक्टेबल प्रोडक्ट्स। अभी हमने एग्जांपल भी देख लिया, इंजेक्टेबल प्रोडक्ट्स की फॉर्म में ही उसको यूज करते हैं, और यह हमें यह भी पता है कि इंजेक्टेबल मस्ट बी स्टरलाइज्ड और इट शुड बी प्रोड्यूस्ड अंडर एसेप्टिक कंडीशंस। पूरी तरह का स्टरलाइज कंडीशन हमें चाहिए किसी भी पेरेंटल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। फिर से डेफिनेशन देखते हैं, एलर्जेंस की डेफिनेशन है क्या बेसिकली। इतना सब आपने पढ़ लिया तो आप बता पाओगे कि व्हाट आर एलर्जेंस। तो एलर्जेंस दीज आर द सब्सटेंसेस कैपेबल ऑफ सेंसिटाइजिंग द बॉडी इन सच अ वे दैट अनयूजुअल रिस्पॉन्स अकर इन हाइपर सेंसिटिव पर्सन। ये याद रखना, सभी लोगों में नहीं होगा। तो एलर्जन में बायोलॉजिकल, केमिकल और ऑफ सिंथेटिक ओरिजिन किसी भी तरह के हो सकते हैं, बट वी हैव फोकस्ड अपॉन द नेचुरल ओरिजिन। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। So we have completed the topic natural allergens from unit number 5. So in the last, I acknowledge all the sources I have used to prepare this video. So this video is intended for education purpose only and no commercialization is involved. And yes, again, important announcement for you, that there is a channel, Knowledge Thrust, Channel Knowledge, that contains different videos pertaining to the Himachal Pradesh Public Service Commission and HPSSC Hamirpur. तो आप इस चैनल पे भी जाके डिफरेंट वीडियोस ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसमें मैंने कई अपने जो नोट्स हैं, लेक्चर मटेरियल है, थोड़ा बहुत आपको लोगों के लिए इसमें शेयर करके रखा है। तो डू वॉच सम ऑफ द वीडियोस ऑफ जनरल नॉलेज, दैट इज द नॉलेज थ्रस्ट चैनल। सो अगेन दिस इज अ नॉन प्रॉफिट चैनल, तो दिस इज नो कमर्शलाइजेशन इज इन्वॉल्व अबाउट इन एनी ऑफ माई कंटेंट। तो दिस चैनल इज अगेन अ नॉन प्रॉफिट चैनल, तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर दिस चैनल एंड ऑब्जर्व सम ऑफ द इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल वीडियोस। So thank you very much for your patience and listening. See you in the next lecture.